आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जो मेरे जन्मदिन पर काटा था ना, उसे की कहते केक, वो तो हम पीछे के वास्ते लाना ही भूल गए। फिरा, मैं तो भूल ही गया, तूने मैंने पहले क्यों नहीं याद दिला, अब की करें? मैनू पता है ये हमें की करना, बीच अपने जन्मदिन का केक जरूर काटेंगे। चाय जी भी ना चौकीदारन बन गई है बच्चों की, एक भी काम नो हाथ नहीं लगाने दे रही। मैंने बधाइयां जी, बधाइयां, बधाइयां जी। बधाइयों जी। गुरजीत जन्मदिन की बधाई, हमारी ओर से भी जन्मदिन की बधाई रतन जी। जी धन्यवाद। तो एक अकेला मैं ही नहीं जिसको आपकी जन्मदिन की इतनी खुशी है। सजावट हो रखी है, कसम से मजा ही आ गया आपको देखकर। मेरा मतलब है यहाँ की सजावट देखकर, जश्न की तैयारी लगती है। मैंनू होता ही नहीं थी, ऐसी भी क्या नाराजगी अपनों से। रब दा बंदा हूँ, रब से डरता हूँ। शुभ दिन पर बधाई देने नहीं आता तो रब रूठ जाता, इसलिए बिन बुलाए ही आ गया। ये लीजिए, आपके वास्ते छोटा सा तोहफा लाया, बालियां हैं। इसे अपने कान में जगह देकर इस सोने के बाले की शोभा बढ़ा दीजिए। जी धन्यवाद, लेकिन मैं ये आपसे नहीं ले सकती। प्रेम प्यार से दिए गए तोहफे मना नहीं करते रतन जी। हेलो जी, जिसके लिए बनवाया था उसे मैं कुछ और दे दूंगा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। ओ स्वाभिमानी, दूजे की चीज क्यों लेंगी। हेलो जी, ये मेरी है, तोहफा समझ कर रख लो। ये मेरे गले में रहे या आपके, एक ही बात है। मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए। होता है, कईयों को सोना नहीं पहनने का शौक होता है। कोई गल नहीं, आप ये पैसे ले लो जी, रख लीजिए, जो पसंद आए ले लेना मेरे नाम पर। बधाइयों के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ और नहीं ले सकती सुरजीत प्राजी। ये हर बार प्राजी कहकर आप ना सीधा गोला दाग देती हैं कलेजे पर। कोई बात नहीं, मैं तोहफे की शक्ल ही बदल देता। आप मेहनत वाली हैं और मैं मेहनत का दाम देने वाला। आज आपसे मैं एक वादा करता हूं जो हर साल पूरा करूंगा। अब आपको अपनी फसल बेचने के लिए घर से बाहर धूप में पैर नहीं रखने पड़ेंगे। मैं अब आपके घर आकर वधिया दामों पर सारी फसल उठा लूंगा। कहो कैसी रही। बहुत ही बुरी। एक बात बता दूं आपको सुरजीत प्राजी, इस बार आपको फसल बेचना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं रब से अरदास करूंगी
अगली बार अगर मेरी फसल ना बिकी ना तो मेरे गोदाम में आग लगवा दे, पर मैं नू मजबूर ना करे। और हाँ, मैं अपनी फसल आपसे बीज उधार लेकर नहीं बोती, इसलिए मेरी फसल किसे बेचनी और किसे नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। अब आप जाइए यहां से। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी। एक ही, एक बड़ा आलू और एक छोटा सा, एक ही। पुत्र, ये नाप के नहीं उगते हैं, छोटे बड़े ऐसे होते हैं। इसका मतलब आपको नहीं पता है। मैं बताती, ए बड़ा आलू है बीजी आलू और ए छोटा सा आलू है पुत्र आलू, समझ गए? अच्छा आप ए बताओ कि ये सब आलू आप कितने में दोगे? पुत्र, ये सिर्फ 14 रुपए किलो है। 14 रुपए? आपने तो लूट मचा रखी है। हम नहीं देंगे, हम सिर्फ 4 रुपए में लेंगे। सिर्फ 4 रुपए? अगर सारे पैसे हम आपको ही दे देंगे तो हम बाकी के सामान कैसे खरीदेंगे? हा? आपको देना है तो अच्छे अच्छे आलू दो, नहीं तो हम आपके खेत में से जाके छुपके से निकाल लेंगे। आपका आलू भी गया और 4 रुपए भी गए। मेरा चाचा जी, आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। चाचा जी, ओए रतन, ये कर दी भाई, छड़। चाची जी, अरे छड़ ना, क्या कर रही है? मैं जरा से मेरी चौकीदारी में कमी क्या पड़ गई? तू तो शुरू हो गई खाना पकाने के लिए। हाँ, ओए, मैं बड़े बड़े दीदों से मेरे को क्या कूर कूर के देख रही है? डरती नहीं हूँ मैं तेरे से। हाँ, चींचड़े से डर लगता है। उसकी आंखें देखिए, उसकी आंखों में आग है आग। अगर उसने देख लिया ना कि मैंने तेरे को खाना पकाने दे दिया, मेरे को खड़े खड़े ना तंदूरी चाय जी बना देगी वो। चाची आप भी ना, बच्चों ने कह दिया और आपने मान भी लिया, इतना सारा काम पड़ा है। लाइए कड़छी, लाइए। नहीं, बस बोल दिया ना बहस कर मेरे साथ। आप ना बच्चों से भी छोटी बन गई है। आपको ना मोटी चाय जी नहीं बोलना चाहिए, छोटी छोटी, सबसे छोटी चाय जी बोलना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा छोड़ो कड़छी। नहीं, मैं नहीं देने वाला। चाय जी कड़छी, मेरी मेरी लत दुख रही, मेरे को दौड़ा मत तू। नहीं दूंगी, दे दो ना कड़छी। चाय जी, चाय जी, अरे नहीं नहीं दूंगी। चाय जी दे दो ना कड़छी, छड़ मेरा जी, बच्चे की तरह इसी से पिटाई करूंगी मैं। चाय जी, मेरी मेरी लगाओ। नहीं नहीं, रणजी है की है पीजी एद झूला है पर है की है। देख ना पुत्र, कहती खाना पकाऊंगी। रणवीर देख, मैंने ऐसे खाली बैठा नहीं जाता, घर में इतना सारा काम पड़ा है, काम करने दे मैनू, और खाली बैठने की आदत नहीं है मैनू। तो बीजी आज के वास्ते खाली बैठने की आदत डाल दो। हाँ, आज तो हम भी संभालेंगे सब कुछ, आप दोनों छोटे बच्चे और हम दोनों बड़े। बताइए झोले में क्या है, क्या लेकर आया तू बाजार से? बीजी हम क्यों बताए आपको कि इस थैले में हम आपके वास्ते। बीजी है जो है, हम आपको क्यों बताएं? बीजी अब आप कमरे में जाओ और आराम करो, सही वक्त आने पर हम लोग आपको नीचे बुला देंगे। जाओ। हाँ जा, चल कमरे में जा। अरे बीजी जाओ ना। रणवीर, अरे रणवीर सुन। होई, होई। की कर रही है? चाहिए? अरे बीजी आप इतने की करो, आपको कमरे में जाने के लिए बोला था ना। बीजी मैं कर दूँ? नहीं बीजा, तू नहीं कर पाएगी, इसमें ताकत लगानी होती है। हो गई मेरी लस्सी। मेरा आटा भी अच्छे से तैयार हो गया। दीदी
पीजी, लस्सी तो बन गई पर जो मेरे जन्मदिन पर काटा था ना उसे की कहते केक। हाँ, वो तो हम पीछे के वास्ते लाना ही भूल गए। उस तेरी फिरा, मैं तो भूल ही गया, तूने मैंने पहले क्यों नहीं याद दिला, अब की करें? पीछे मैं भूल गई थी, रुको मैं अमृतसर जाके ले आती हूँ भाग के। ओए मीरा, कितने जा रही तू? अच्छा जब तक तू अमृतसर से वापस इतना लौटेगी ना तब तक बीजे बुड्ढी भी हो चुके होंगे। तब बीजे की करे? बीजे, मैंनू पता है कि हमें की करना है। बीजे अपने जन्मदिन का केक जरूर काटेंगी। ओए, ऐसा की करेगी? चाय जी, अब और की बाकी है? सब तो हो गया ना? नहीं, सब नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी, तो चल ना। ओहो, यहाँ खड़ी जाए। अब खोल दो आंखें। हाँ बीजी, अपनी आंखें खोल दो। बीजी, हमने आपके वास्ते खाना बनाया, मैंने और मेरी वीरा ने। बीजी, ये देखो, ये रोटियां और ये लस्सी। देखो बीजी, इसमें सब्जी है और इसमें हलवा है। बीजी, एक कचौरी है, थोड़ी सी जल गई है। अरे नहीं नहीं बीजी, पहले केक तो काट लो। केक? बीजी चलो। चल आओ बीजी। हेलो बीजी, इससे काटो। जन्मदिन की बधाइयां तुहानू। नहीं कट रहा? चाय जी, ये गुड़ की ढेरी तो बहुत सख्त है, कट ही नहीं रहा। चल मैं तेरी मदद करती हूँ, इसका अच्छा भी कटेगा। चल। तू सचमुच नहीं कट रहा? एक मिनट दीदी, एक मिनट। छोड़ दे छोड़ दे। हेलो बीजी, थोड़ी सी पी तो बीजी है नू, अब भी कट जाएगा। चंगा डांट भी पहले तू जल्दी रह। चलो अब अगर मालिकों की आज्ञा हो तो हम खाना खा ले। नहीं बीजी, अभी एक खास चीज बाकी है, आप दोनों इत्थे बैठो, वीरा और मैं अभी आए। जाइज अब बैठो इत्थे। चल वीरा। अब और की बाकी है जाइजी? रतन पुत्र ठंड रख, कर रहे हैं कुछ बच्चे लोग, कर रहे थे ना। बीजी के जन्मदिन पे वीरा और उसके बीजी पेश करने वाले हैं एक नाटक। चाय
चाची मैं खेतों से आगे मैं आपकी रतन दीजी। नहीं नहीं चाची मैं आ गई खेतों से आपकी रतन। ओए एक ही लगा रखा हाँ? चल ठीक है ओए रतन उत्तर आ गई तू जा अपने हाथ में धोने मैं तेरे वास्ते खाना लगा देती हूँ। नहीं चाची आप परेशान मत हो वैसे भी आपका पेट तो दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है आप कैसे खाने लगाओगे मेरे वास्ते? ओए रतन पुत्र ऐ मेरा पेट नहीं है ऐ मेरी तंदुरुस्ती की निशानी है मैं सारा काम कर सकती हूँ और तेरे से तो ज्यादा दम रखती हूँ मैं अभी भी और तेरी उस चींचड़ी से भी। हायो रब्बा ऐ मेरे जूते कैसे फट गए चींचड़ी का काम होगा मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। नहीं नहीं चाची आप इसे मत डांटो ये तो मेरी अच्छी वाली बेटी है वीरा। अगर आप इसे मारने आओगी मैं इसको बचा लूंगी और मैंने सोच लिया मैं इसे बहुत सारा प्यार करूंगी इसे खाले पुत्तर बोल के खाना खिलाऊंगी रोज रात को ये सोएगी ना तो मैं इसे लोरी गा के सुनाऊंगी इसे बहुत सारा प्यार करूंगी मैं ओह रतन तेरी बातें तो खत्म ही नहीं होती कितनी बातें करती तू बिल्कुल अपने चींचड़ी की तरह है उसकी भी बातें कभी खत्म नहीं होती चल ले पानी पी ले नहीं तेरा गला सूख जाएगा इतना सब कुछ तो बोल दिया तूने हेलो मेरा पानी हो गया अब बाकी का आप पी लो चाय जी मैं आपका ध्यान रखूंगी और आप मेरा ध्यान रखना और हम दोनों मिलके हमारे बदमाश बच्चों का ऐसे ही चलती है इस प्रीतमपुरा के अनोखे घर की सुबह शाम हमारा नाटक खत्म हुआ जी आपको हमारा नाटक कैसा लगा मैं उसमें बिल्कुल आपके जैसी दिख रही थी ना दीदी बताओ ना हमने अच्छा किया बताओ ना मैं उसमें बिल्कुल आपके जैसी लग रही थी ना बीजी मैंने और बीजी ने अच्छा किया ना चाची क्यों हो गया चाची क्यों चाची बीजी जल्दी बीजी चाची कुछ नहीं होगा हेलो कुछ नहीं होगा हेलो बलवंत भाई साहब पानी लेकर आ जाओ चाची क्यों हो रहा है आपको ताजी क्यों हो रहा है आपको अच्छा पानी ताजी पानी पियो ताजी अब्बा ताजी पकड़ 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 ताजी उठिए ताजी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।